हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह 28 नवंबर को NIT में होगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शिरकत करेंगे। वे विश्वविद्यालय के 398 छात्र छात्राओं को डिग्रियां देंगे। सभी छात्र भारतीय परिधान में डिग्रियां लेंगे। हिमाचली टोपी ड्रेस कोड में अनिवार्य की गई है। इनमें 15 स्टूडेंट्स को स्वर्ण जबकि 14 को रजत पदक दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह 28 नवंबर को NIT में होगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शिरकत करेंगे। वे विश्वविद्यालय के 398 छात्र छात्राओं को डिग्रियां देंगे। सभी छात्र भारतीय परिधान में डिग्रियां लेंगे। हिमाचली टोपी ड्रेस कोड में अनिवार्य की गई है। ये जो है पूरा भारतीय परिधान में होगा और गोल्ड मेडल 15 विद्यार्थियों को दिया जाना है, जिसमें से 11 यूर मेडल 14 को दिया जाना है, जिसमें से 10 जो है यूजी के बच्चे। इनमें 15 स्टूडेंट्स को स्वर्ण जबकि 14 को रजत पदक दिए जाएंगे। कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर, वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार विक्रम ठाकुर, उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति पहुंचेंगे। ये बात HPTU के वासी प्रोफेसर SP बंसल ने कही। हमारे विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह निश्चित हुआ है। इसमें हमारे आदरणीय गवर्नर साहब, राज्यपाल महोदय, उन्होंने स्वीकृति दी है, वो आ रहे हैं। और अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी स्वीकृति आई है। और हमारे जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, उनकी एक्सेप्टेंस आई है। और लोकल MLA जो हैं और कुछ और जो इम्पोर्टेंट डिग्निटीज हैं, वो इसका पार्ट रहेंगे। मुझे लगता है कि गत वर्ष हमारा पहला दीक्षांत समारोह ऑलरेडी कंप्लीट भारतीय परिधान में हुआ था। ये हमारा इस रीजन का मुझे लगता है कि पहला विश्वविद्यालय था कि हमने कंप्लीट भारतीय परिधान में पहला दीक्षांत समारोह किया था। तो ये वाला दीक्षांत समारोह भी हमारा उसी तरह से भारतीय परिधान में रहेगा। अब तो HRD की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं और इसमें लगभग 398 स्टूडेंट्स हैं जिनको डिग्री मिलेगी और लगभग 29 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दिया जाएगा। एक जो अच्छी बात है कि हमने ये रेगुलर फीचर विश्वविद्यालय का बना दिया है, हर साल कन्वोकेशन होगी ताकि विद्यार्थियों को साथ साथ डिग्री मिल जाए, डिग्री लेने के लिए उनको वेट ना इंतजार ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का नए परिसर दड़ोही में उद्घाटन 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय का अपना कुलगीत भी रिलीज करेंगे। इसके अलावा CM विश्वविद्यालय के रिसर्च जर्नल और यूनिवर्सिटी के अपने न्यूज लेटर को भी रिलीज करेंगे। उन्होंने कहा कि नए कैंपस के उद्घाटन के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रशासनिक ब्लॉक, ओपन एयर थिएटर, कैफेटेरिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन करेंगे। कई नए आयाम छूने का प्रयास किया है। हमारा विश्वविद्यालय का अपना कुलगीत पहली बार बनकर के तैयार हुआ है। हमारा विश्वविद्यालय का नया कैंपस बनकर के तैयार है, जिसका 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी है। 6 तारीख को हमारे नए परिसर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। उस दिन विश्वविद्यालय का नया कुलगीत रिलीज किया जाएगा, उस दिन विश्वविद्यालय का अपना न्यूज़लेटर, उस दिन विश्वविद्यालय का अपना पहला जर्नल, उस दिन विश्वविद्यालय का अपना पहला एनुअल रिपोर्ट ऐसा रिलीज करने का है। उस दिन विश्वविद्यालय में कई जो नई चीज़ें हमने स्थापित की हैं, जैसा कि हमने वेब स्टूडियो, उसका भी उद्घाटन होगा, ई लाइब्रेरी, उसका भी उद्घाटन होगा। एक हमने जो ERP और डाटा सेंटर करके, ताकि सारा का सारा विश्वविद्यालय अपने आप में डिफरेंट कॉलेजेस के पोर्टल से जुड़ जाए और सारा ऑनलाइन हो जाए, वो सिस्टम को स्थापित करने का प्रयास किया है, उसका भी उद्घाटन उस दिन किया जाएगा। शिलान्यास होगा ओपन एयर थिएटर का और साथ में एक विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए
एक कैफेटेरिया बनेगा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका भी शिलान्यास जो है वो उस दिन किया जाएगा। प्रोफेसर बंसल ने बताया कि तकनीकी विश्वविद्यालय से एफिलेटेड सभी कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने आसपास एक एक गांव अडॉप्ट करेंगे, साथ ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को नौकरी के लिए बटना ना पड़े। इसके लिए सभी को निर्देश दिए हैं कि हर संस्थान 5-5 MOU कंपनियों के साथ साइन करेगा। कुछ एक कोर्सेज हमने यहाँ पर स्टार्ट किए हैं, हमारे ऑफ कैंपसेज भी हैं, 6 ऑफ कैंपसेज हैं हमारे। ऑफ कैंपसेज में भी हम सुनिश्चित किया है कि, और अपने यहाँ पर भी, कि हम टेक्निकल एजुकेशन को क्वालिटी एक्सेलेंस की तरफ बढ़ाया जाए, उसके लिए हमने कई कदम भी उठाए हैं एक्सेलेंस के लिए। जैसा कि हमने NBA कंपलसरी कर दिया है, अब हमने कंपलसरी किया है कि जहाँ NBA नहीं है वहाँ NBA को कराया जाए, जहाँ NAC नहीं है, इस बार कम से कम हमारे 15 इंस्टीट्यूट NAC के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हमने उनको बोला कि NIRF कोरोना ही पड़ेगा, NIRF इस बार अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने हर इंस्टीट्यूट के लिए जो AICT नहीं है उनको हमने दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि वो AICT के लिए अप्लाई करें, तो उससे क्वालिटी स्वयं आएगी जब वो रेगुलेटरी कमिटीज को फॉलो करेंगे, उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर को पूरा करेंगे तो क्वालिटी स्वयं आएगी। मैंने केवल टेम्परेरी सीटें जो हैं वो इसलिए कम की हैं जहाँ हमें लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं क्वालिटी या उस तरह की एजुकेशन स्टूडेंट्स को नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ हमने कम की हैं, रद्द भी की हैं। हम अगर वो हमें इंश्योर करेंगे तो उनके हम द्वारा से बहाल भी कर देंगे और सीटें जो है हम बढ़ा भी देंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के अधीन शिक्षा कर रहे हजारों विद्यार्थियों के लिए प्लांटेशन अनिवार्य की गई है। जब कोई भी छात्र प्रथम वर्ष में प्रवेश लेगा तो उसे एक पौधा रोपना होगा, यही नहीं उसे अंतिम वर्ष तक उस पौधे की देखरेख भी करनी अनिवार्य होगी, क्योंकि अंतिम वर्ष तक पेड़ की स्थिति को क्रेडिट के साथ उस छात्र की डिग्री से जोड़ा जाएगा।